हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा पार्ट वन, और जल्दी मैं पार्ट टू और पार्ट थ्री केमिस्ट्री का अपलोड करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर वन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, लेवेजर। लेवेजर इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गैसेस इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच एसिड प्रेजेंट इन लेमन? लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड को, एक्वा सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं विनेगर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव, रेयर गैसेस आर व्हाट? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेयर गैसेस आर मोनोएटॉमिक। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टर्म पीवीसी यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर? जो अपन पीवीसी पाइप यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट अमंग फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? कौन सा इनमें से यूज होता है टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड यूज करते हैं टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। क्वेश्चन नंबर एट, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे बोलते हैं? सो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड को अपन बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रोल। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन, विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट? डायनामाइट यूज प्रिपेयर करने के लिए कौन सा इनमें से यूज होता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लाइसरॉल यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिप्सम सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बाय? क्लोरीन को ब्लीचिंग करते हैं किस मेथड से करते हैं, ये पूछा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिकम्पोजिशन करते। क्वेश्चन नंबर 12, विच मेटल इज द हेवीएस्ट मेटल? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्मियम। ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्मियम इज द हेवीएस्ट मेटल एंड लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल एंड सल्फर कोल? पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, चारकोल एंड सल्फर के मिक्सचर को बोलते हैं गन पाउडर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेंस, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसीटोन प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेंस? एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर डी। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द आइसोटोप एटम डिफर इन? आइसोटोप्स ऑफ एटम डिफर इन क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफर होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमन बोन डज नॉट कंटेन, ह्यूमन के बोन में क्या नहीं होता? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन नहीं होता, बाकी सब होता है, कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, फॉस्फोरस होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कंटेंस व्हाट? जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, एयर कंटेंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हाट? एयर में मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके बाद ऑक्सीजन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं? सो सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा, और बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। सो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम? नेचुरल रबर, रबर किससे डिराइव हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइसोप्रीन से डिराइव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, हु प्रपोज्ड फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी? सो जॉन डॉल्टन प्रपोज्ड फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 23, पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड का पीएच क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7.4, दैट इज इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक, बेसिक एंड वन, एक होता है न्यूट्रल। जो एसिडिक मींस लेस देन 7 पीएच जो होता है वो एसिडिक बोलते हैं, और ग्रेटर देन 7 पीएच जो होता है उसको बेसिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24,
पीएच ऑफ वाटर, वाटर का पीएच क्या होगा, वाटर का पीएच होता है 7, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज वाटर इज न्यूट्रल. क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट, सॉफ्टेस्ट पूछा है कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम, सोडियम इज द सॉफ्टेस्ट. एंड देन सो ये हो गए हैं 25 क्वेश्चंस. ये पार्ट 1 है केमिस्ट्री का, जल्दी ही मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड करूंगा. ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच.